नमस्कार, आप देख रहे इकोनॉमी का हिसाब किताब। मैं हूं आनंद चक्रवर्ती। दोस्तों, नोटबंदी के 5 साल हो गए हैं और इस नोटबंदी के कारण हमारे देश में आर्थिक मंदी छाई है। ये एक बहुत बड़ा कारण है और ये मैं आपको सिर्फ डेटा से दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि नोटबंदी के लक्ष्य क्या थे, क्यों कहा गया था कि हमारे देश में नोटबंदी किया गया है। पहला कहा गया था कि इससे जो है कि लोगों, सेठ लोगों के घर में जो छिपा हुआ कैश रखा हुआ है, काला धन, ब्लैक मनी, वो बाहर निकल के बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। ब्लैक मनी पर एक झट्टे में वार लगेगा, उसके बाद लोग डर के मारे टैक्स देने लगेंगे, तो टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्स बढ़ेगा तो सरकार खर्च कर पाएगी, आम लोगों पर खर्च कर पाएगी और इससे अच्छे दिन आएंगे, है ना। तो लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कैश कम हुआ या नहीं। तो मैं 2010-11 से लेकर 2020-21 का टोटल देख रहा हूं कि कैश हमारे पब्लिक के हाथ में टोटल कैश क्या था। मैं 2010-11 को 100 ले रहा, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। तो आप देखेंगे कि 2015-16 तक लगातार लगभग 12% के रेट से कैश बढ़ता रहा हमारे देश के सिस्टम में, पब्लिक के हाथ में कैश। फिर 2016 में जो नोटबंदी आई, तो उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से धराम से गिरा बिल्कुल, ठीक है। कैश का टोटल सप्लाई धराम से हमारे देश में गिरा नोटबंदी के कारण 16-17 में। आप देख सकते हैं किस तरीके से टोटल गिरा है। उसके बाद लेकिन आप देखिए फिर से ऊपर गया है, ठीक है। तो मैं ये लेता हूं कि हुआ क्या, मैं इसी को अब जो 12% 11.9% के रेट से अगर हमारे देश में कैश बढ़ता रहता तो कहां तक पहुंचता और असल में कितना पहुंचा है। तो ये लाल लाइन असल है और अब ये येलो लाइन देखिए और आप देखेंगे कि लगभग 2021-2021 में वहीं पहुंच गया है, बिल्कुल वहीं पे कैश पहुंच गया, यानी कि नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ। अगर कहा जा रहा था कि कैश बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते कि देखिए कैश से कुछ नहीं पता चलता, पता क्योंकि जितना हमारे देश की आमदनी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, उतना कैश की जरूरत भी बढ़ेगी, उतनी कैश की जरूरत भी बढ़ेगी। तो हमको लेना पड़ेगा कि ये जो कैश लोगों के हाथ में है उसका जीडीपी का कितना प्रतिशत वो है, ठीक है, कितना परसेंट जीडीपी का है। तो ये हम देखते थे 2010-11 से लेके, अब आप देखिए ये डेटा, ठीक है, सीधा चल रहा है। और ये जाकर अगर मैं देखूं तो 2015-16 में जाकर ये लगभग 11.5% के आसपास जाकर पहुंचा, जीडीपी का 11.5% के आसपास। 2016-17 में नोटबंदी के बाद क्या हुआ है, गिरा है बिल्कुल 8.2% में, यानी कि कैश गायब हो गया सिस्टम में। क्या ब्लैक मनी गायब हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद लगातार ये बढ़ता रहा है और 2020-21 में जाकर ये लगभग 14%, यानी पहले की तुलना में कैश जीडीपी के तुलना, अगर हम तुलना करें जीडीपी के साथ, कैश ज्यादा है इस वक्त, कम नहीं है, यानी कैश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से। क्या टैक्स पेयर बढ़ गए, ठीक है, कहा गया था कि टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे, तो हम देखते हैं कि फिर से टैक्स पेयर, ये फिर से मैंने क्या किया कि मैंने 2012-13 को 100 ले लिया, क्योंकि मैं टैक्स पेयर लेना चाहता हूं लेटेस्ट जो हमारे पास डेटा है 2018-19 का, उसके बाद हमारे पास डेटा नहीं है। तो 2000 उतना ही ले रहा हूं दोनों तरफ नोटबंदी के। अब फिर से आप देखिए टैक्स जितने भी पेयर थे उनका लगभग वही 12% रेट से टैक्स पेयर हमारे देश में बढ़ रहे थे नोटबंदी तक। नोटबंदी के बाद ग्रोथ रेट घट गया है क्योंकि ये 10.5% पर आ गया है। नोटबंदी के बाद टैक्स पेयर का ग्रोथ रेट हमारे देश में घट गया है, बढ़ा नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, इसका मतलब नोटबंदी का टैक्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या नोटबंदी से जो सारा कैश बाहर आ गया कहा जाता है, क्या उससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, क्या टैक्स ज़्यादा लोग दे रहे थे इसलिए जीडीपी बढ़ गया। चलिए फिर से देखते हैं हम कि जीडीपी ग्रोथ कैसा हुआ है और अब आप देखिए कि किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट 2016-17 तक बढ़ा है और उसके बाद जब नोटबंदी आई तो क्या हुआ, बिल्कुल गिर गया जीडीपी ग्रोथ रेट भी।
नोटबंदी के बाद गिर गया है, तो साफ है नोटबंदी से मंदी बढ़ी है। और याद रखिएगा कि मैंने ये जीडीपी ग्रोथ रेट में कोविड का पीरियड लिया ही नहीं है, याद रखिए कोविड का पीरियड मैंने लिया नहीं है, कोविड से पहले की बात मैं कर रहा हूं। किस तरीके से आप देखिए जीडीपी घट गया है। अब मैं लेता हूं कि नौकरियां, नौकरियों का क्या हुआ, कितने लोगों के पास काम था। तो मैं सीएमआई का डेटा ले रहा हूं और सीएमआई ने बिल्कुल जनवरी 2016 से ये डेटा कलेक्ट करने के करना शुरू किया था और नवंबर में आप जानते हैं नोटबंदी आ गया। तो सितंबर 2016 ये तिमाही का कंपैरिजन, हर सितंबर का तिमाही का कंपैरिजन करूंगा क्योंकि वो बिल्कुल नोटबंदी के पहले का है। आप देख रहे हैं ये लाइन किस तरीके से ये लाइन घट रहा है, आज तक ये वापस नहीं आया। चलिए एक पॉइंट पे तो नीचे है वो कोविड का कारण है, लेकिन ये रिकवरी के बाद भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पिछले 5 साल में सितंबर 2016 में जितने लोगों के पास काम था उस लेवल पर हम वापस नहीं आए हैं। ये साफ नोटबंदी का इम्पैक्ट है। और आप एक चीज़ याद रखिए कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये जो कितने लोगों के पास काम है, हर साल जितने उससे ज़्यादा लोग काम मांगते हैं, ठीक है, हर साल काम मांगने वाले लोग बढ़ रहे हैं लेकिन कुल जिनके पास काम है वो घट रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नोटबंदी से छाई है आर्थिक मंदी। नोटबंदी एक बड़ा कारण है और उसके बाद जीएसटी वो और भी बड़ा कारण है, इसीलिए 5 साल से हम फंसे हुए हैं। आज का शो यहीं तक, देखते रहिए न्यूज क्लिक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। You